की दुनिया एंड माय नेम इज शली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत मतलब अलग ही होने वाली है। अब तक की मेरे चैनल पे जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ। और आप लोगों के साथ एक ऑनेस्टली प्रॉब्लम होगी, 100 में से 99% जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, जो साइड लॉक्स होते हैं यहाँ पर, फेशियल हेयर की प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर चिन एरिया में बहुत हेयर आ जाते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए जैसा आप लोग वैक्सिंग कराते हैं या फिर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग से भी होता है कि ब्लीचिंग से आप क्या होता है कि जो हेयर है ये गोल्डन हो जाते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए आपको ये विजिबल नहीं होंगे, ये होता है। और फिर या फिर बहुत से लोग वैक्सिंग करा लेते हैं, थ्रेडिंग करा लेते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका यूज करने वाली हूँ। मेरे पास है एक ये सिरोना का फेशियल हेयर रिमूवल किट, जिसमें आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसमें आपको सबसे पहले जो प्रोडक्ट मिलता है ये है सिरोना का एलोवेरा पोस्ट वैक्स एंड शेव जेल। मींस की दैट मींस जब आप फेशियल हेयर रिमूव कर लेंगे और उसके बाद जब आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसके बाद आपको कभी भी इस तरीके से मतलब ड्राई फॉर्म में आपको अपना जो स्किन है उसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो सारे चेहरे पे, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर बम्स आ जाते हैं, रेड कलर के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं या फिर स्किन ब्लैक पड़ जाती है। तो उसके लिए जरूरी है पोस्ट वैक्स शेव जेल। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जो आज का मेन की प्रोडक्ट है, स्टार प्रोडक्ट है, वो है हमारा ये सिरोना का फेशियल रेजर। और ये है ये, इसको आप आईब्रोज में भी यूज कर सकते हैं, फोरहेड में भी यूज कर सकते हैं, अपर लिप्स में भी यूज कर सकते हैं और फेशियल हेयर रिमूव ऑफ कोर्स। और ये वन पीस वाला पैक है, इसमें आपको थ्री पीस वाले पैक का मोड है, वो भी बहुत सारे फेशियल रेजर का नाम सुना होगा, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ये यूज करने वाली हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसमें इसको यूज करने का तरीका दिया हुआ है। वैसे नॉर्मली आपको जो भी फेशियल रेजर आप यूज करें वो इसी तरीके से करें, सबसे पहले अपने फेस को क्लेंज कर लें अच्छे से और उसके बाद उसको मॉइस्चराइज कर लें, देन उसके बाद पुल द स्किन टाइट एंड जेंटली ग्लाइड द ब्लेड डाउनवर्ड्स, और जिस डायरेक्शन में आपके हेयर ग्रोथ है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको इसको पुल करना, मतलब उसको शेव करना होगा स्किन को अच्छे से टाइट करके। वंस डन, और जब आपका ये हो जाए देन उसके बाद आपको ये शेव जेल जो है अप्लाई करना होगा, एंड वॉश एंड ड्राई द ब्लेड बिफोर स्टोरिंग इट फॉर नेक्स्ट यूज। और उसके बाद जब आप ब्लेड का यूज कर लेंगे देन उसको वॉश ऑफ करके आपको इसको रख देना है। और इसमें आपको एक कैप भी मिलेगी इसकी, तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके की ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको मिलेगा, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी है। और इसका जो मतलब साइज, मतलब शेप है, शेप बहुत ही अच्छी है इसकी, बहुत हैंडी है, मतलब पकड़ने में इस तरीके से आपको इसको हैंडल करना होगा। और यहां पर इसकी एक आपको प्लास्टिक की कैप मिल जाती है। और ये जो इसका ब्लेड है, सबसे अच्छी बात इसमें ये है, ये जो ब्लेड है इसका यहाँ पर जिससे आप फेशियल हेयर रिमूव करेंगे, ये है सिलिकॉन का, उसका सॉरी स्टेनलेस स्टील का, तो जिससे आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी, कोई खामियों में आगे बढ़ते हैं। और मेक श्योर जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूंगी जैसा कि इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुआ है। तो उसके लिए वैसे आप लोग कुछ भी जैसे शीट मास्क भी यूज कर सकते हैं या कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ आप कोई भी ऑयल यूज नहीं करेंगे फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए, लाइक ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पर जो यूज करने वाली हूँ वो है पतंजलि का एलोवेरा जेल। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को जहां जहां मुझे फेशियल हेयर रिमूव करने हैं वहां उसको अच्छे से एक अच्छी लेयर में एलोवेरा जेल की अप्लाई कर लूंगी। और आपका फेस जो है वो अच्छे से पहले से क्लीन होना चाहिए, तो मैंने सुबह ही अपने फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट कर लिया, अच्छे से एक थिन लेयर मैंने एलोवेरा जेल की इस तरीके से मैं इसको अप्लाई कर लूंगी। जितनी भी मतलब जितनी अच्छे से अच्छी लेयर आप एलोवेरा जेल की लगा सकते हैं उसको अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। और फिर अब उसके बाद इसको इस तरीके से मैं इसको हैंडल करूंगी और बहुत छोटे छोटे से आपको पोर्शन लेने होंगे, ये नहीं कि आप पूरे पूरे फेस पे एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्शन। कैन यू सी दिस? देखिए यहां पर आपको हेयर दिख रहे होंगे। अभी मैं इसको आपको टिश्यू पेपर पर लेकर दिखाऊंगी, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ और देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा आपकी स्किन पे, क्योंकि इसके जो ब्लेड है वो SS के बने हुए हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और बहुत अच्छे से ही आपके फेस को क्लीन कर देगा। देखिए अब तो आपको अच्छे से विजिबल होगा ना,
ये इतने हेयर मेरे इतने से पोर्शन में यहाँ का मैं अच्छे से ये फेशियल हेयर रिमूव कर चुकी हूँ। अब मैं इधर का करके दिखाती हूँ आप लोगों को, और साथ में मैंने यहाँ पर अपर लिप्स पे भी थोड़ा सा इसको अप्लाई किया था, और देखिए इतना मेरा हेयर अभी भी निकले हैं। ये अब आपको विजिबल होंगे अच्छे से, ये आपको हार्श करेगा, बहुत ज्यादा डैमेज करेगा, और बहुत छोटे छोटे से स्ट्रोक आपको लेने हैं इसमें। देखिए कैन यू सी दिस, आपको छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे से हेयर्स लाइक बेबी हेयर्स, देखिए अब तो विजिबल होंगे अच्छे से। इधर के साइड लॉक्स और इधर के दोनों लेफ्ट और राइट साइड के दोनों के साइड लॉक्स भी मैंने अच्छे से रिमूव कर लिए जितने मुझे रिमूव करने थे, और उसमें इतना ज्यादा हेयर ग्रोथ है। देखिए अभी आप चाहो तो इसको आप फोरहेड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी मैंने इसको अच्छे से फेस अप्लाई कर लिया है, इसको फेशियल हेयर को मैंने अच्छे से जितने भी मेरे एक्स्ट्रा हेयर थे उसको मैंने रिमूव कर लिया, और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी इसको थोड़ी देर बाद मैं इसको देखती हूँ क्या इसकी रिएक्शन रहती है, और बस मैं अब फेस वॉश करूंगी। देन फेस वॉश करने के बाद मैं यहां पर ये पोस्ट वैक्स शेव जेल अप्लाई करूंगी, और इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। यह है सिरोना का एलोवेरा पोस्ट वैक्स एंड शेव जेल नेचुरल एंड नो मिनरल ऑयल, और ये है सूथ्स एंड हील स्किन आफ्टर हेयर रिमूवल। तो बेसिकली ये आफ्टर हेयर रिमूवल ही है, आप इसको पहले अप्लाई ना करें। प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन आपको दो दिए हुए हैं। वैक्सिंग एंड शेविंग कैन इरिटेट योर स्किन, वैक्स और शेव करने के बाद जब आपकी स्किन इरिटेशन होने लगे या फिर कुछ इचीनेस होने लगे, रेडनेस हो जाती है, देन कॉजिंग रैशेज एंड रेडनेस, तो उसके लिए सोल्यूशन है ये सिरोना पोस्ट वैक्स एंड शेव जेल सूथ्स एंड हील योर स्किन पोस्ट अ वैक्सिंग एंड शेविंग सेशन। सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए मैं आप लोगों को से फेस वॉश करने के बाद मिलती हूँ, देन उसको फिर हम इसको अप्लाई, मैं आप लोगों के साथ अब फेस वॉश करने के बाद मिल रही हूँ, और एक अलग सी स्मूथनेस आपको फेस पर दिखेगी, मतलब मैं तो खैर फील कर सकती हूँ जब आप इसको अप्लाई करेंगे, तो एक बहुत अच्छी सी एकदम स्मूथनेस, एकदम फिनिशिंग। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कोई मेकअप भी अप्लाई करते हैं या फिर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपके स्किन में अच्छे से वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। वो किस लिए, क्योंकि फेशियल हेयर जो है एक बैरियर का काम करते हैं। तो यहां पर जब आपके फेशियल हेयर होंगे तो जितना भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो अच्छे से आपके स्किन में जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप फेशियल हेयर जो है वो मतलब मिनिमम 15 डेज के उसमें इंटरवल में आप अप्लाई करते रहें, इसको फेशियल हेयर को रिमूव करते रहें, सॉरी। तो अब मैं फेस वॉश करने के बाद आपसे मिल रही हूँ, आपको एक अलग सी एक स्मूथनेस तो आई थिंक विजिबल होगी पहले और अब में, और मैं अब इसके बाद ये फेस पोस्ट वैक्स एंड शेव जेल अप्लाई करने जा रही हूँ, देन उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम यूज किया है, लेकिन ये होता है कि इससे मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग भी बनता है और काला भी नहीं लगेगा और बहुत नेचुरल सी। तो देखिए इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होगी, ये एलोवेरा जेल टाइप ही है। तो बस इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अपने पूरे फेस पे, और नेक एरिया को ना भूलें क्योंकि हमने वहां पर भी शेव किया था, तो इसको अच्छे से अप्लाई कर लें। और इस एलोवेरा जेल को जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो एक अच्छी सी मतलब ठंडक सी आपको महसूस होगी, जितनी भी आपको इरिटेशन हुई होगी जब आप इसको रेजर को यूज कर रहे होंगे तो उससे ये अच्छे से हील कर देगा। सो देखिए कितनी अच्छी सी शाइनिंग आई है, और जस्ट इग्नोर दिस, ये पिंपल तो मेरा पहले से ही था, तो मेरा फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है अच्छे से, बिल्कुल पार्टी मतलब किसी भी मेकअप के लिए अब ये रेडी हो चुका है। मेरे लिए प्रोडक्ट जो है बहुत यूजफुल है, और बस अब इसको मैं वॉश भी करके आ गई हूँ। अब इसको वॉश करने के बाद इसको सेम आप किसी भी टिश्यू पेपर से लेकर टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से पोंछ लें, और पोंछने के बाद जो आपको कैप मिली थी इसके साथ उसको पैक करके इसको रख दें। तो आप इसको इजिली 3 to 4 times आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों की वीडियो आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।